नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिन में गेमर में। गाइस मैं आज खेल रहा हूँ BGMI मिशन इग्निशन मोड, वो भी सोलो में, क्योंकि भाई मेरे को स्क्वाड में बंदे ढंग के मिलते नहीं है, उल्टे सीधे बंदे मिलते हैं जो मेरे से बात नहीं कर रहे होते। मैं उनसे बात करूँ तो भी वो चुप, मैं ना कहूँ उनसे बात तो भी वो चुप। अगर आप चाहते हैं कि मैं भाई स्क्वाड में खेलूँ तो आप मुझे अपनी BGMI ID बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ये जो भी रिक्वेस्ट होती है मैं डाल लूँगा और आपके साथ मैं ज़रूर खेलूँगा। मैं भाई सोचता हूँ इस वीडियो में भाई मेरे को तगड़ी तगड़ी दो गन्स मिलने वाली है, जिनको मैंने भाई सिर्फ बाकी के वीडियोज़ में देखा ही है, दूसरों के वीडियोज में कभी खुद चला ही नहीं है और कभी देखे इस मैप में देखी भी नहीं है मैंने। तो भाई मैं यहाँ पर चलता हूँ गीगा फैक्ट्री में, ये सोच के कि भाई गीगा फैक्ट्री में दो चार बंदे तो आते ही हैं तसला के, ये अपनी तसला के लिए। मैं यही सोच के यहाँ पर जो है छलांग लगा देता हूँ। मैं भाई जैसे ही नीचे उतरता हूँ मुझे भाई दिख जाता है एक बंदा। और भाई इस गेम में बहुत सारे ग्लिच हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं गीगा फैक्ट्री में उतरने वाला था, ये कहाँ उतर गया तू, ये इधर उतर जाता है। मैं उसको मुक्का मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई ये भागने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक से गीगा फैक्ट्री जो है प्रकट हो जाती है। मैं काम पर गई थी गीगा फैक्ट्री, भाई उसको मैं मुक्के मार मार के ख़त्म कर देता हूँ ताकि भाई अंदर घुस के गोलियों से मुझे ना ख़त्म कर दे। और भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ इसके इन्वेंट्री में बस एक टोपी थी, मेरे सिर पर टोपी है, मुझे टोपी की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए भाई मैं ऊपर चलता हूँ। ऊपर यहाँ पर मुझे गन में बहुत बार मिल चुकी है इसलिए मैं यहीं पर जो है गन देखता हूँ, और अगर नीचे कोई बंदा हो तो भाई मेरे को जल्दी से मार भी नहीं पाएगा। और भाई मैं इधर थोड़ी सी लूटापाटी करते हुए आगे बढ़ ही रहा होता हूँ तभी भाई मुझे आता है एक फायर। भाई मैं इधर देखता हूँ किधर है बंदा, वो उधर चुपचाप खड़े होकर मुझे मारा होता है, उसी से मैं उसको पूरा का पूरा फिनिश कर देता हूँ और उसकी पेटी लूटने जाता हूँ। और भाई तभी मुझे आसपास से भी कोई फायर कर रहा हुआ दिखता है, उसका हेलमेट तो वैसे बहुत डैमेज हो चुका है। मैं अपनी गन USMP फेंक के AKM उसके उठा ले लेता हूँ और आगे आसपास देखता हूँ कि किधर बंदा किधर बंदा। मैं सोचता हूँ किसी दूसरे को मार रहा होगा, इसलिए यही सोच के मैं और लूटापाटी करने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। इधर आसपास थोड़ी और लूट होती है तो मैं वो लूट जो है झटपट से ले लेता हूँ। अब भाई मुझे मिलने वाली थी वो गन जो भाई इस गेम में होती है और मैंने उसको कभी चलाया भी नहीं था। मैं यहाँ से आगे लूटापाटी करते हुए जा रहा हूँ तो मुझे भाई वो गन दिख जाते हैं, मैं उसको लेने के लिए पीछे मुड़ता हूँ लेकिन मैं तब तक मैं नीचे गिर चुका होता हूँ। वापस मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और मुझे मिल जाती है फ्लेयर गन, और इस फ्लेयर गन को लेके भाई मैं सोचता हूँ कि भाई इस फ्लेयर गन को चला के अपना प्राइवेट ड्रॉप मंगवाऊँगा और उससे कोई तगड़ी गन उठा के बंदों को कूटूँगा। तब तक भाई मैं इधर चुपचाप रेंगते हुए देखता हूँ कि कोई आसपास बंदा तो नहीं है ना, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये सोच के कि इधर कोई है ही नहीं तसला बना लेते हो और भाई वो पीछे से आके आपको ख़त्म कर देते हो और फोकट में तसला लेकर निकल जाते हैं। भाई मैं यहाँ पर थोड़ी सी लटापटी और करके अपना लीवर जो है ये खींच देता हूँ और आगे के लीवर पर भी चला जाता हूँ। दो लीवर जो है दोस्तों ऊपर की तरफ है और एक लीवर जो है नीचे की तरफ है, और मैं दूसरे लेवल की तरफ जाता हूँ आसपास देखते हुए कि कोई बंदा तो नहीं है ना, और भाई ऊपर चढ़ा जाता हूँ और इस लेवल को जो भी है मैं खींच देता हूँ। अब और आगे बढ़ता हूँ, नीचे लेवल होता है मेरे को पता ही था लेकिन मेरे रूम में ये गीगा फैक्ट्री जैसे होने की वजह से मुझे दिखते हैं समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर एक लेवल होता है तो मैं उस लेवल को भी जो है खींच देता हूँ। और भाई अब अपनी जो तसला है बनना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अब ये तसला में लगेंगे दरवाजे, बाकी के सारे पैनल्स जो होते हैं ना भाई, और अब ये इसको लगेंगे ये चक्के और भाई अब ये होगी पेंट। मैं तसला बना ही रहा होता हूँ तभी भाई मुझे आता है एक फायर। मैं देखता हूँ कि भाई किधर है बंदा, मैं तसला के आने का इंतज़ार करता हूँ क्योंकि जैसे ही तसला कार यहाँ पे आएगी ये दरवाज़ा खुल जाएगा, आप देख ही रहे होंगे। मैं देखता हूँ कि भाई इधर कोई आसपास बंदा तो नहीं है ना, वरना भाई मैं लूटा पार्टी कर रहा हूँ और वो मुझे पट से हेडशॉट ले ले। और मैं भाई इधर देखता हूँ आसपास कोई है क्या, लेकिन भाई मुझे आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ चलो ये एयर ड्रॉप ही लूट लेते हैं।
और एयर ड्रॉप में भाई मेरी जो इन्वेंट्री है लूटते समय पूरी भर जाती है। मैं सोचता हूँ भाई अपनी AKM को रिलोड मार लेता हूँ भाई। इस जगह मेरे को तभी आता है वापस एक फायर। मैं देखता हूँ इधर आसपास कहीं पर, मैं सोचता हूँ भाई जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ इस गीगा फैक्ट्री से। मुझे मारने के लिए तो शायद बाहर आ ही जाएगा, इसलिए भाई मैं इधर आके बाहर इंतज़ार करता हूँ कि वो कब बाहर आएगा। भाई मैं इधर गोल गोल घूम रहा हूँ ताकि वो भाई वो बाहर आ जाए, लेकिन वो भाई उधर ही किधर अंदर चिपक के बैठ जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो अपनी जो तसला है लेके जल्दी से भाग जाते हैं, मेरे को मारना दे। इसी चक्कर में मैं उस ड्रॉप से M416 लेना ही भूल जाता हूँ। काश मैंने भाई वो ले ली होती, शायद उसकी रिलोड टाइम थोड़ी कम होते हैं शायद। और मैं भाई इधर जल्दी आके इस घास फूस के अंदर छुप जाता हूँ। मेरे लिए यहाँ पर पीछे भी कवर बन चुका होता है, इसलिए भाई मैं इधर आसपास देखता हूँ कि कोई बंदा, ये बंदा बाहर तो आएगा क्या, मुझे इसको खोल के देखता हूँ। लेकिन भाई मुझे वो बंदा दिखता ही नहीं है। बहुत कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर गए वो, कब आएगा बंदा, ये मैं सोचता हूँ जाने दो उसको, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मुझे यहाँ पर भाई सर्वाइव करना है, लेकिन मैं सोचता हूँ क्यों बकरों की तरह भागना, सीधा उसको ख़त्म ही कर देते हैं। इसलिए भाई मैं अपनी तसला लेके वहाँ पर वापस इस गीगा फैक्ट्री में आता हूँ और बंदे को ढूंढता हूँ। और भाई मुझे वो बंदा अकेली दिख भी जाता है, और मैं भाई जल्दी से इस तसला को यहाँ पर खड़ा करके उसको ख़त्म करने जाता हूँ और AKM से उसको पूरा का पूरा फिनिश भी कर डालता हूँ। उसकी लपेटे लूटता हूँ और फ्लेयर गन चलाने के इतने उत्साह की वजह से भाई मैं M416 को लेना ही भूल देता हूँ। एयर ड्रॉप को तो मैं उधर ही छोड़ देता हूँ। मैं भाई अपनी तसला को लेके चलता हूँ, सोचता हूँ कि भाई इधर आसपास कोई माशायद बंदे होंगे, इसलिए भाई मैं इधर झाड़ों के अंदर चला जाता हूँ जंगल के अंदर पेप्सी पीने के लिए। मैं यहाँ पर जो है पेप्सी पी लेता हूँ, सोचता हूँ चलो अभी आप यहाँ से ट्रांसलेट सेंटर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे ट्रांसलेट सेंटर पर भी होते हैं। मैं अभी भी जोन में था, इसलिए प्ले जोन में ही था, इसलिए भाई बंदे यहाँ पर आसपास हो भी सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ चलो ट्रांसलेट सेंटर की ओर चलता हूँ। और भाई तभी मुझे दिख जाता है, इधर आसपास ही जाता हूँ सीधे जैसे जाता हूँ, मुझे दिख जाता है एक बंदा अपनी टैक्सी लेके भाग रहा होता है। मैं सोचता हूँ भाई उसने मुझे देख लिया होगा क्या पता, इसलिए मैं इधर ट्रैक्टर के पीछे छुपना हूँ, देखता हूँ कि उसने देखा कि नहीं। मैं सोचता हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, सोचता हूँ चलो जाते हैं उसकी तरफ जाते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं क्या नहीं। भाई मैं देखता हूँ कि वो टैक्सी से उतर जाते हैं, मुझे लगा कि मेरे को कूदने के लिए उतर जाता है, लेकिन वो टैक्सी छोड़ के छोड़े की जीप लेके भाग जाता है। मैं उसके पीछे भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई वो तब तक चोरन की स्पीड में भाग चुका होता है। मैं जो है वापस आ जाता हूँ टेस्ला के पास, ताकि भाई उसका पीछा करो या फिर दूसरी जगह पे जाके अपना एयर ड्रॉप मंगवाऊँ। मैं पीछे में देखता हूँ कि कोई वो मुझे जीप से उड़ाने के लिए तो नहीं आ रहा है। मैं अपनी टेस्ला में जाके बैठता हूँ और निकल पड़ता हूँ एयर ड्रॉप मंगवाने के लिए किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर कम बंदे आए और भाई मैं आराम से वो ड्रॉप लूट सकूँ। मैं जो है यहाँ पे आके उतर जाता हूँ, सोचता हूँ चलो यहीं पर अपनी फ्लेयर गन चला देते हैं और डायनो का नाम लेके फ्लेयर गन जो है मैं चला देता हूँ। अब इसकी आवाज़ सुनिए। सोचता हूँ चलो इस पेड़ के नीचे अच्छा कवर मिलेगा, मैं यहाँ पर अपनी शील्ड लगा देता हूँ, लेकिन शील्ड वहाँ पर लगती नहीं है। सोचता हूँ नीचे ही लगाऊँ, नहीं नीचे नहीं, चलो ऊपर ही लगा देते हैं। ये सोच के मैं ऊपर आ जाता हूँ और अपने पीछे शील्ड जो है मैं लगा देता हूँ, ताकि भाई पीछे से आके मुझे कोई धप्पा ना कर दे। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी शील्ड लगा देता हूँ और बंदों के आने का इंतज़ार करता हूँ। भाई तभी मुझे एक फायर आता है, मैं देखता हूँ किधर है बंदा। मैं यहाँ से फायर आया, मैं वहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ स्कोप खोल के, लेकिन भाई मुझे दिखता नहीं है। लेकिन वो नीचे ही खड़ा होता है, मैं उसको भाई अपनी गन से ख़त्म कर देता हूँ और मैं थोड़ी देर और इंतज़ार करता हूँ कि क्या पता
हम दोनों की फायर सुन के कोई और बंदा तीसरा ही आ जाए, लेकिन कोई आता नहीं, इसलिए मैं नीचे चला जाता हूँ और उसकी पेटी से एनर्जी ड्रिंक, ये पेन किलर्स और एमओ लेके यहाँ से निकल जाता हूँ इधर से। और इस बार भाई मैं अपना ड्रॉप लूट जरूर लेता हूँ। इस ड्रॉप को जैसे खोलता हूँ मेरी भाई आके फटी की फटी रह जाती है। मुझे मिल जाती है यहाँ पर AWM, अपनी उजी पूजी को फेंक के, उजी पूजी जो भी है उसको फेंक के AWM ले लेता हूँ। लेकिन भाई उसके एमओ लेने के लिए मुझे अपनी इन्वेंट्री खाली करना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे आसपास देखता हूँ कि कोई है तो नहीं, और ये सोच के भाई अपना कोई नहीं है ये, मैं अपनी इन्वेंट्री पूरी खाली कर देता हूँ ताकि भाई मैं जो है उसके एमओ, अटैक स्कोप और बाकी जो चीज़ें हैं मैं वो ले सकूँ। और भाई मैं अपनी वो चीज़ें ले लेता हूँ। मुझे देखती है ये गर्जा, ये गर्जा थोड़ी अजीब सी गन है। मैं सोचता हूँ ये AKM फेंक के गर्जा लूँ क्या, मैं देखता हूँ दोनों की एमओ से देखिए, तो चलो गर्जा ही ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और भाई मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ ट्रांसलेट सेंटर की तरफ। मैं सोचता हूँ चलो भाई यहाँ पर आसपास कोई बंदा है कि नहीं देखता हूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बंदे जो है ट्रांसलेट सेंटर से बाहर भी आते हैं। अब मेरी AWM में रेड डॉट लगा था, इसलिए मैं रेड डॉट हटा के ये एटेक्स को उसमें इक्विप कर लेता हूँ, और जो भी चीज़ थोड़ी सी बची हुई थी उसको भी निकाल फेंक देता हूँ, साइलेंसर वगैरह सप्रेसर वगैरह में फेंक देता हूँ। सोचता हूँ चलो इस घर के अंदर घर मिला है, इस घर के अंदर बैठ के मैं आराम से अपनी जो है कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा, एनर्जी ड्रिंक और पेन किलर्स ले लूँगा। तो मैं सोचता हूँ चलो इस घर के अंदर ही चलते हैं, अपने हाथ में जो है गर्जा पकड़ लेता हूँ मैं। और भाई यहाँ पे मुझे आते हैं, जैसे ही मैं अपने भाई एनर्जी ड्रिंक लेना शो करता हूँ पेन किलर, तभी मुझे आवाज़ आती है फुटस्टेप की। मैं दीवार के पीछे छुप जाता हूँ और एक बंदा आके मुझे बोलता है, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। और ये बोल के मेरे ऊपर वो मुक्के मारना शुरू करता है। मैं देखता हूँ मुझे मुक्के मारा है, मैं उसके ऊपर गर्जा से जो है पूरा ग्रज पड़ता हूँ और उसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं उसके इन्वेंटर में देखता हूँ उसके पास भाई दो दो गन थी, भाई गन थी तो गन लेके मुझे ख़त्म कर सकता था। उसके पास भाई एक सेकेंड का मौका था, मुझे आधी रेंज भी तो कर ही सकता था, एक सेकेंड का टाइम था। मैं सोचता हूँ चलो भाई उसको जाने दो, और मैं आगे उस घर की तरफ चल पड़ता हूँ और उस घर के ऊपर जो है अपनी गाड़ी लगा देता हूँ। ट्रांसलेट सेंटर के अंदर घुसने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई ट्रांसलेट सेंटर के अंदर ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं जो भाई घर के अंदर छुप छुप के आपको, आप नीचे से जा रहे होंगे वो आपको ऊपर से ख़त्म कर देंगे भाई। और यहाँ पर जो है दरवाज़ा मैं खुला छोड़ देता हूँ, दरवाज़ा बंद करने के लिए जाता हूँ, लेकिन भाई मेरा दरवाजे का सिस्टम जो है ऑटोमेटिक होने की वजह से अपने आप खुल जाता है। भाई मैं वो मैनुअल करना है भूल जाता हूँ, इसलिए मैं पट मंजरडी से यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर कोई बंदा है या नहीं। मैं स्कोप खोल के इधर उधर देखता हूँ AWM, मुझे लगा AWM है अपने पास, चलो AWM से किसको हेडशॉट ले लेंगे। और देखता हूँ इधर कोई आसपास है या नहीं, नीचे झुक के देखता हूँ, मुझे तो सिर्फ दीवार ही देखते, इसलिए खड़ा हो जाता हूँ दीवार का कवर लेके और पिक करके इधर देखता हूँ कि आसपास कोई बंदा है या नहीं, लेकिन होता तो नहीं, इसलिए मैं जो है यहाँ पे अपने तसला के पास वापस जाता हूँ। तभी मुझे आ जाता है एक फायर, मैं देखता हूँ किधर है बंदा, घर के पीछे से फायर आ रहा है। मैं भाई अपना स्कोप खोल के देखता हूँ कि क्या पता घर के ऊपर चढ़ गए होंगे बंदर के जैसे, या फिर खिड़की के ऊपर से कैंपिंग कर रहे होंगे, लेकिन मुझे भाई कोई दिखता ही नहीं है। मुझे लगा कि भाई वो मेरे पीछे ज़रूर आएगा, इसलिए मैं जो है दरवाज़ा खोल के इधर अंदर उसका इंतज़ार करने के लिए बैठ जाता हूँ। इतने में ही जो है मुझे फुटस्टेप आ रहे होते हैं, मैं देखता हूँ कि वो जो है यहाँ से भाग रहा है, मैं उसके पीछे भी दौड़ता हूँ, लेकिन भाई वो मेरे तसला लेके भागने की कोशिश करता है। मैं भी उसके ऊपर गर्जा से पूरा का पूरा गरज पड़ता हूँ और भाई वो तसला लेके भागने ही वाला होता है, लेकिन मैं उसकी गाड़ी जो है
फोड़ देता हूँ, लेकिन भाई वो गाड़ी मैंने फोड़ता कोई और फोड़ देता है, यहाँ पर ही हो जाता है मेरा किल चोरी। मुझे लगता है कि भाई वो नीचे कूद गया और मुझे भाई दो गोली लगती है, मैं पूरा का पूरा लाल हो जाता हूँ और मैं चूरन की स्पीड में जो जल्दी से घर के अंदर जाता हूँ। मुझे मरना तो था नहीं, इसलिए मैं घर के अंदर घुस जाता हूँ, अपनी पट्टी वट्टी लगाना शुरू करता हूँ। पट्टी लगाने के चक्कर में बंदे को मारूँ कैसे ये सोचने में, और इस जोन में से बचूँगा कैसे ये सोचने के चक्कर में मैं अपनी गन को रिलोड करना ही भूल जाता हूँ। मैं जल्दी से बाहर आता हूँ और उसको दो गोली मार के भाई बाकी मैं पूरा का पूरा फिनिश हो जाता हूँ। ऐसी गलती आप मत करना भाई, कितने भी मुश्किल हो गन के एमओ आपने कितनी रिलोड करके रखी हुई ये ज़रूर देखना भाई। अब से मेरे को ये आदत लग गई है, लग चुकी है भाई, ये अब से मैं याद रखूँगा। चलो कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जो हैं वो होती रहती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है उसको जल्दी से ग्रे कर डालो, उसको दबा डालो। मिलता हूँ ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।